बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने टूपल पेपर हैकर में। मैं सूरजराज आज के दिन देखने वाले हैं जो भी छात्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, मतलब कि अयोध्या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं। ये 3 जून की अपडेट है और इस अपडेट में सिंपल तरीके से देखो जो भी दिन की अपडेट आती है वो हम आपको तुरंत बता देते हैं कि आपको क्या क्या होने वाला है, ठीक है, और किस तरीके से आपको कौन सा फॉर्म निकल रहा है, कौन सी क्या जो भी नोटिस आता है सबसे पहले अपलोड पेपर हैकर यूट्यूब पे होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ बोला गया है कि विश्व दिनांक, यहां बोला गया है विषय दिनांक, यहां बोला गया 1 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2022 तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, उनके संबंध में आपको कुछ नोटिस दिया गया है, मतलब कि आपको वृक्ष लगाना है, ठीक है, और ये एक सप्ताह का कह सकते हैं वृक्षारोपण सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। अब मैं आपको यहां बताने वाला हूं, महोदय महोदया से अवगत कराने की बात की गई है यहां कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो 1 जुलाई से 7 जुलाई की बात की जा रही है उसमें पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वन महोत्सव और वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। यह एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है, मतलब कि वर्ष में एक बार आता है जिसमें पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं, मतलब कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पूरे देश में कहीं ना कहीं वृक्षारोपण, हर व्यक्ति एक वृक्ष को लगाता है, समझ रहे हैं, वृक्षारोपण होता है। यहाँ क्या है, राजभवन उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार कुलपति महोदय के आदेशानुसार मुझे आपसे ये कहने का निर्देशन हुआ है कि दिनांक 1 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2022 तक वृक्षारोपण, ठीक है, सप्ताह के अंतर्गत विश्वविद्यालय के जो आवासीय परिसर है या संबंध महाविद्यालय है उनमें वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना है। मतलब बोला गया है या जितने भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उन सभी में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा और हर व्यक्ति एक वृक्ष का रोपण करेगा, समझ रहे ना, उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय संबंध में 1 लाख से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब कि यदि जो भी विश्वविद्यालय है और हमारे जो क्या है विश्वविद्यालय है और हमारे कॉलेज है, यदि हर व्यक्ति से या हर स्टूडेंट से कराया जाएगा तो यदि वृक्षारोपण कराया जाएगा तो 1 लाख से अधिक वृक्ष लगेंगे, समझ रहे ना, 1 लाख से अधिक, ये बोला गया है हमारी अयोध्या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है, और यहां बोला गया ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है और तदनुसार रोपित किए गए वृक्षों का फोटोग्राफ और वृक्षों की संख्या राजभवन, ठीक है, प्रेषित की जानी है, मतलब कि आपको राजभवन में भी उसका फोटो खींचकर और वृक्ष की संख्या गिनकर आपको बताना सुनिश्चित है। साथ ही साथ यहां बोला गया है कृपया 1 जून 2022 से 7 जून 2022 तक वृक्षारोपण सप्ताह के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कराते हुए, ठीक है, यहां क्या रोपित किए गए वृक्षों की संख्या फोटोग्राफ दिनांक जितने भी किए जाएंगे वो 8/7/2022 मतलब कि 8 जुलाई तक विश्वविद्यालय की ईमेल, ये ईमेल दे रखी है, इस पर उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे आप सभी लोग, समझ रहे हैं, इस ईमेल पर आप क्या करेंगे, जो भी आपने फोटो खींचा है वृक्षारोपण करते समय उसका आपको फोटो खींचकर डाल देना है, समझ रहे ना, और इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसे लिटिल अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर मिल जाती है। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।